सलमान खान की द बुल गई ठंडे पस्ते में। सलमान खान की फिल्म पर लटक गया है ताला। देखिए, खबर आ रही है कि सलमान खान की फिल्म द बुल जो अब तक बनने वाली थी अब वो नहीं बनेगी। करण जौहर ने इसे होल्ड पर डाल दिया है। क्या है फिल्म के डब्बा बंद होने की पीछे की असली वजह, आइए जानते हैं। दरअसल सलमान खान और करण जौहर साथ में द बुल नाम की फिल्म बनाने वाले थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फरवरी 2024 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। इसका एक अहम हिस्सा मालदीव में शूट होना था, लेकिन मालदीव और भारत के रिश्ते में पनपे कॉन्फ्लिक्ट के चलते फिल्म को होल्ड पर डाल दिया गया। अब खबर आ रही है कि करण ने इस फिल्म को बंद कर दिया है। कहा जा रहा है कि सलमान खान की ये हाई बजट फिल्म अब ठंडे बस्ते में चली गई है। दरअसल सलमान खान ने बिजी शूटिंग शेड्यूल के लिए करण जौहर से जुलाई तक का वक्त मांगा था। हालांकि अब उन्होंने साजिद नाडियाडवाला और एआर मुरुगदास की फिल्में शुरू करने का डिसीजन लिया है। सलमान खान इन दिनों सिकंदर की शूटिंग कर रहे हैं, जिसके बाद वो अगले साल मई से दूसरी फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। सलमान के पास इस वक्त कई सारी फिल्में लाइन अप है। हालांकि बिजी शेड्यूल के चलते अब सलमान खान ने द बुल छोड़ने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ये कहते हुए फिल्म से बैक आउट किया है कि वो करण जौहर के फ्यूचर प्रोजेक्ट का हिस्सा जरूर बनेंगे। सलमान खान के हटने से फिल्म बंद पड़ सकती है। वह आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि सलमान ही नहीं, कार्तिक की फिल्म भी बंद हो गई है। करण जौहर की इसी जोनर की पिछली फिल्म योद्धा कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी थी। मार्केट इंटरेस्ट देखते हुए करण जौहर ने वॉर पर बनने वाली अपकमिंग फिल्म को बंद करने का फैसला कर लिया है। इस फिल्म को संदीप मोदी डायरेक्ट करने वाले थे। कल मिलाकर करण जौहर की प्रोडक्शन तले बनने वाली द बुल और कार्तिक की फिल्म तो होल्ड पर चली गई है। अब ऐसे में सलमान के फैंस तो अपसेट हो रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि करण जौहर इस फिल्म को दोबारा इन फ्यूचर कब स्टार्ट करते हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।